हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अबाउट द स्टोरेज ऑफ द H2O2। तो आपकी H2O2 जो है उसके स्टोरेज के लिए आपको कुछ प्रिकॉशंस देखनी पड़ती है। आप H2O2 को ग्लास के जो आपके कंटेनर्स होते हैं, ग्लास की जो बॉटल्स है, इसमें स्टोर करके नहीं रख सकते। तो अगर आपने इसमें H2O2 को डाला तो वहां पे क्या है, एक तो सरफेस जो है आपका वो रफ होता है, रफ सरफेस भी हो सकता है, वहां पे एल्कली के ऑक्साइड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और अगर आपकी यहाँ पे सनलाइट आ गई तो इन कंडीशंस की वजह से क्या है कि H2O2 जो है हमारा वो डीकम्पोज करने लगता है। तो सनलाइट में एक तो रिएक्शन कैटेलाइज हो जाती है और H2O2 का जो डीकम्पोजिशन है वो फास्ट हो जाता है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड टू वाटर एंड ऑक्सीजन। तो इसलिए यहाँ पे इसको किसमें स्टोर किया जाता है, इट इज स्टोर्ड इन दी वैक्स लाइन ग्लास और प्लास्टिक वेसल्स इन द डार्क कंडीशन। तो इसमें आप यूरिया जो है वो एज अ स्टेबलाइजर ऐड कर सकते हो एंड दिस इज केप्ट अवे फ्रॉम द डस्ट, बिकॉज अगर डस्ट आ गई तो वो भी क्या करती है, वो इसकी जो डीकम्पोजिशन है उसको भी एक्सप्लोसिव कर देती है। मतलब डस्ट कैन इंड्यूस द एक्सप्लोसिव डीकम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड। मतलब डीकम्पोजिशन तो होगा ही और साथ में वो काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव नेचर का होगा। तो इसलिए इसका ध्यान रखना पड़ता है कि इसकी जो स्टोरेज है वो एक प्रॉपर तरीके से की जाए, अदरवाइज इट कैन बी वेरी हार्मफुल। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टोरेज ऑफ द H2O2। थैंक यू।